तो ये है डीवोल्यूशन सीरीज का पहला भाग और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2019 की कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज के बारे में जो काफी यूजलेस थी। इनमें कुछ कंट्रोवर्सीज काफी मेजर भी है। इस पूरी सीरीज में मैं तुम लोगों को ईयर ऑन ईयर एंड मंथ ऑन मंथ हर मेजर कंट्रोवर्सी का पूरा नॉस्टैल्जिक फील देने वाला हूँ। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं किसी भी प्लेयर या क्रिएटर को हेट नहीं देना चाहता। एडिशनली आई एम नॉट ग्लोरिफाइंग एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। ये सभी वीडियोस इंटरनेट पर अवेलेबल है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में किसी को भी हेट मत देना। ये 5 साल पुरानी बातें हैं। सिट बैक एंड जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। तो इस पूरी गेमिंग सीन की शुरुआत 2019 में हुई थी। तो सबसे पहले 2019 में शुरू होती है मॉर्टल वर्सेस यमराज की कंट्रोवर्सी। बाय द वे, अगर आप लोगों को यमराज के बारे में नहीं पता है तो बताना चाहूंगा, ये उस टाइम का बहुत ही बड़ा चीटर था इस गेम का, जो ओपनली हैक्स लगाकर स्ट्रीम करता था। तो इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई जब मॉर्टल यूजुअली अपनी स्ट्रीम कर रहे थे एंड उनकी मैच मेकिंग यमराज से हो जाती है एंड वो मॉर्टल को सस्पिशियसली मार देते हैं। ये मेरे को डाउट आ रहा है इसपे बे, मेरे को डाउट आ रहा है इसपे। इन सभी के बीच मॉर्टल ने कुछ भी गलत नहीं कहा। He was just opposing the cheater. Yes, hacked. क्या गाइस, बोला था मैंने, मेरे को मालूम था ये बंदा हैकर है। ऐसा नहीं है कि हमें मालूम पड़ता है गाइस कि कोई किसी को मारेगा तो हैकर है कि नहीं। ये नहीं कि हम मर गए तो हम हैकर बोले, या तो हम तो कह रहे थे he was either very good or a hacker. बट यमराज की तरफ से हमें एक स्टेटमेंट देखने को मिला जिसमें उन्होंने टीम सोल के ही एक प्लेयर स्लैश क्रिएटर पर एलिगेशन लगाए कि उन्होंने यमराज को अप्रोच किया था फॉर रैंक पुश। ऑल्दो इसमें कितनी सच्चाई है वो मुझे नहीं पता। नाम नहीं लूंगा, मैंने मॉर्टल तक को बोली है बात, उसके मुंह पे चैट पे बोली है कि भाई तेरे सोल का एक ही बंदा मेरे पास आया था पुश लेने के लिए। यमराज ने मॉर्टल को अब्यूज भी किया एंड आयरोनिकली यमराज को लगता था वो जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। बट टू बी ऑनेस्ट, दैट वॉज द पीक ऑफ पबजी मोबाइल, क्योंकि यमराज ने एटलीस्ट एक्सेप्ट तो कर लिया था दैट ही वॉज चीटिंग। इस जनरेशन के प्लेयर्स तो हैक लगाकर अपना करियर बना लेते हैं, पर इस कंट्रोवर्सी की बात करें तो ये काफी एक्सटेंड हुई बिकॉज स्काउट भाई भी इस कंट्रोवर्सी में जुड़े। लेटर इस कंट्रोवर्सी का एंड हुआ बिकॉज स्काउट भाई ने यमराज का ब्रेन वॉश कर दिया था, जिसके बाद यमराज ने हैकिंग छोड़ दी। डरिए मत दोस्तों, क्योंकि स्काउट भाई ओन्स दिस सीरीज फॉर 2 एपिसोड्स। वेल, ये कंट्रोवर्सी तो सॉर्ट हो गई, पर फरवरी में दूसरी तरफ यानी एमिलेटी कम्युनिटी में काफी बवाल मच रखा था बिकॉज चीटोमैन ने पूरी एमिलेटी कम्युनिटी को कॉल आउट किया था। ऑल्दो उनका पूरा चैनल ही एमिलेटी कम्युनिटी को डेकडाउन करने पर बेस्ड था। इन सब की शुरुआत होती है जब चीटोमैन डायनामो अल्फा एंड उनके क्लैनमेट्स को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो रिलीज करते हैं। जैसे हम चीटर्स को नूबड़ा बोलते हैं, वो एडवांटेज लेके खेलते हैं, तो ये भी एडवांटेज लेके एमुलेटर पर मोबाइल वालों को मारते हैं, तो ये भी नूबड़े हैं भाई। सीधी शब्दों में बोल रहा हूँ, नूबड़ा है, गंडू है, चुतिया है, टायर्ड। जिसमें उन्होंने डायनामो को कॉल आउट करते हुए कहा दैट हाई एंड पीसीज पर मोबाइल गेम नहीं खेलना चाहिए, इंस्टेड प्ले पबजी पीसी। एंड सिर्फ हाइड्रा पर ही नहीं, उन्होंने गॉडलाइक के क्रॉन्टन पर भी हैकर्स को सपोर्ट करने के एलिगेशंस लगाए। स्काउट, गरीब एंड काफी वेल नोन लोगों पर भी काफी एलिगेशंस लगाए। उनके वीडियोस में कॉल आउट कम, पर्सनल हेटरेट ज्यादा होती थी। वैसे तो ये काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी थी जो कि नेक्स्ट 6-7 मंथ्स तक चली, बट मैं आपको मेजर पार्टी बताने वाला हूँ। एंड ये कॉन्ट्रोवर्सी एमुलेटर प्लेयर्स को अपोज करने की वजह से हुई थी एंड खासकर डायनो भाई वॉज द मेन टारगेट, क्योंकि वो उस टाइम पर इंसेंटली ग्रो कर रहे थे। नॉट ओनली दिस, चीटोमैन की मदर को GTX स्पीच से थ्रेट्स भी मिले। आंटी, मैं आपका नंबर, अगर मैं आपका नंबर कहीं से ला सकता हूँ ना आंटी, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझ सकते हो। मैं देखो, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। इसको मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, बट GTX स्पीच उन स्ट्रीमर्स में से है जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स को उस टाइम पर अब्यूज किया करते थे। एंड जब चीटोमैन ने उन्हें कॉल आउट किया अपने वीडियोस के थ्रू, तो GTX स्पीच ने चीटोमैन की मदर को कॉल करके थ्रेट्स दिए। एंड असली मजा तो तब आया जब आउट ऑफ नोवेयर स्काउट भाई भी इस कंट्रोवर्सी में घुसे। वेल, यूजुअली तुम लोगों ने देखा होगा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, पर इस केस में स्काउट और चीटोमैन की पहले से कंट्रोवर्सी थी, पर स्काउट भाई ने चीटोमैन की साइड ली एंड GTX स्पीच को ऑन स्ट्रीम काफी प्यार भी दिया। देखो इस पे एक कमेंट है, सुनो बेटा, GTX स्पीच तुम्हारे में कितना ही बड़ा होगा ना, बोल के डर बंदे सब बंदे हटे रहो। बेटा सुन, जितने भी तू बड़ा है ना, वो तेरी सब अकड़ सब चीज है ना, मरोड़ बत्ती बना और गान में डाल ले, ठीक है, बोल रही है। आप ना कर घर पे फोन करने का, भोसड़ी अगर जनता चाहेगी ना तो रास्ते पे दौड़ा के मार चोद देगी तेरी, पता है। बस 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 हो गया। अब महीना आता है मार्च का और इस महीने में अभी के एसडीएल के K18, उस टाइम के एनडीटी के K18 और डायनो के बीच काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। हालांकि ये कंट्रोवर्सी वन साइडेड थी बिकॉज डायनामो की तरफ से हमें कुछ भी रिप्लाई देखने को नहीं मिला। सो केतन ने अपनी स्ट्रीम पर डायनामो को कॉल आउट एंड पोक किया दैट डायनामो पबजी को एमुलेटर पर खेलकर अपने व्यूवर्स को फूल कर रहे हैं। एंड ये सब स्टार्ट हुआ डायनामो के स्पोर्ट्स की वजह से। फॉर मोर कॉन्टेक्स्ट, पबजी मोबाइल के लॉन्च के बाद डायनो इस गेम को एमुलेटर पर खेलकर स्ट्रीम किया करते थे एंड ऑडियंस के पूछने पर उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया
जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा था मैं इस डिवाइस पर खेलता हूँ। उन्होंने अपने व्यूअर्स को झूठ बोला एंड कुछ टाइम बाद यही चीज उनको बैकफायर कर गई। सो व्हाइल केतन वाज स्ट्रीमिंग, उन्होंने डायनो को क्रिटिसाइज किया कि वो पबजी मोबाइल को एमुलेटर पर खेलते हैं एंड डायनो अपने व्यूअर्स को फूल करते हैं। इनडायरेक्टली नहीं बोल रहा ब्रो, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ डायनो को, डूड तो बोलेगा नहीं बोलेगा, बट 3.2K के सामने अगर पहुंचेगी अपनी तौर पर बोल रहा हूँ, लेजिट चीज बोल रहा हूँ। तो इसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, मैं तो इसके लिए खुश हूँ, बट सीरियसली वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर इज लाइक जीरो टू एनी काइंड ऑफ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। वेल ऑनेस्टली डायनो को अपने व्यूअर्स के साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए था, बट टू बी ऑनेस्ट इन दिस कॉन्ट्रोवर्सी केतन का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ हद तक ठीक था, पर उनका ये कहना कि मोबाइल का गेम मोबाइल में खेलना चाहिए वॉज टोटली रॉन्ग, बिकॉज गेम्स वर एंड आर मेड फॉर फन एंड योर ओन एंटरटेनमेंट। अब चाहे तुम मोबाइल का गेम पीसी में खेलो या प्ले स्टेशन पर, इट डजंट मैटर। सैडली लोग एक्चुअल गेमिंग का मतलब ही भूल चुके हैं। बट एनीवेज 2 महीने यानी अप्रैल और मई के लिए गेमिंग कम्युनिटी काफी सुधर गई थी एंड स्लो हो गई थी क्योंकि कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, बट जून एंड जुलाई ने वो सारी कमियां पूरी कर दी। तो शुरुआत होती है स्काउट और डायनो से। वेल डायनो से नहीं, स्काउट से स्टार्ट होती है, बिकॉज वो अपनी स्ट्रीम की शुरुआत कुछ ऐसे करते हैं। यो गुड मॉर्निंग एवरीवन, बाय द वे यार एमुलेटर की बात चीज वेलकम टू पबजी मोबाइल। बोलते हैं डायनो को जाके गांड का गूदा लगा ले, बाप बैठा है इधर, सब्सक्राइबर लेके बैठ जा, पब्लिक में इज्जत होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यूजुअली तुम लोगों ने देखा होगा लोग अपनी स्ट्रीम की शुरुआत भगवान का नाम लेकर करते हैं, पर स्काउट भाई सबसे अलग हैं। वो अपनी स्ट्रीम की शुरुआत ही सबको पेलने से करते थे। वेल टू कंक्लूड, स्काउट के ये बोलने के बाद डायनो भाई कौन सा रुकने वाले थे, उन्होंने इसके जवाब में कुछ ऐसे शॉट्स दिए। मैं स्काउट को गाली दिया तो कुछ नहीं बोलेगा यार, कुत्ते भौंकते हैं, मैं भौंकने में विश्वास नहीं रखता, मैं अपने काम करने में विश्वास रखता हूँ, जो भौंकेंगे वो भौंकते रहेंगे, हमेशा इसे याद रखना कि आंट हमेशा। After this, डायनो भाई यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ऑन स्ट्रीम स्काउट भाई पर रेड करी अपनी पूरी पलटन के साथ। तो गाइस एक चीज करते हैं, क्या चाहिए उस बंदे को, एक सेकंड, क्या चाहिए उसको, व्यूज चाहिए ना, चलो उसको व्यूज लेके आते। बट हमारी जनता भी कमाल की थी, क्योंकि हमारी जनता सबको इक्वली प्यार देती है, किसी के साथ भी ना इंसाफी नहीं करती, इसलिए दोनों को बराबर और भर भर के प्यार दिया। क्यों उसको बोलना, पहले उसको बोल कि पहले वो कर देने के लिए क्या बोलते हैं अपना चैनल को मेंबर ओनली हटा दे, फिर बात करें, गांड की चल रही है उसकी। इनको रिपोर्ट डायनामो पर मिसलीड बॉल, इसको करना था मिसलीड, तुम लोग मिसलीड होता, रिपोर्ट बढ़ गया मार्च बने डायनामो कह रहे मेरे लोग। भाई देखो भाई, सीधी सीधी सी बात है भैया, लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, कट्टे कितने भी बड़े हो जाए। भाई दोनों जगह एक ही डायलॉग चल रहा था, लगता है दोनों ही अनुराग कश्यप के फैंस हैं। वेल ये कंट्रोवर्सी यहाँ खत्म नहीं हुई, बिकॉज स्काउट ने उस पूरी लाइव स्ट्रीम पर डायनामो को एक्सपोज किया एंड काफी अलग अलग चीजों पर शॉट्स लिए, जैसे कि उन्होंने भी डायनो के इस फेक स्क्रीनशॉट को लेकर उन पर एलिगेशंस लगाए। सो लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग हाउ अबाउट यू डायनामो, देयर इट इज, दिस इज द आईपैड सेटअप विद निंटेंडो स्विचेस। देखो पहली बात, ये जो है ना फोटो, ये एक आर्टिकल से उठाया है, ठीक है। वैसे तो उन्होंने काफी एलिगेशंस लगाए, बट मैं सबको इंक्लूड नहीं कर सकता। पर अब हम चलते हैं अपनी अगली कॉन्ट्रोवर्सी पर, जो कि जुलाई में हुई थी। वैसे कॉन्ट्रोवर्सी से मुझे याद आया, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वो तो ग्रो कर गए, मैं रह जाऊंगा। हाँ तो डायनामो भाई की मुसीबत यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि उन पर हैकिंग के एलिगेशंस लगे। और ये हुआ था जब डायनो भाई ने अपनी एक लाइव स्ट्रीम पर स्मोक में एडजस्ट करके एनिमी को वन शॉट नॉकआउट किया था। डायनामो के इस शॉट के बाद काफी लोगों के अलग अलग स्पेकुलेशंस भी आए कि डायनो भाई 100% हैक कर रहे हैं, और इस कॉन्ट्रोवर्सी में काफी बड़े बड़े स्ट्रीमर्स भी इन्वॉल्व हुए, इवन पीसी स्ट्रीमर्स भी। इस पर डायनो ने क्लैरिफिकेशन देते हुए कुछ ऐसा रिप्लाई दिया। वो तो तुमने देखा हुआ था, इसके लिए तुम्हारा, बट थिंग इज क्रॉस हेयर, वो बोल रहा है कि तुम्हारा एडजस्ट हो रहा है, तो वो मुझे नहीं पता, एडजस्ट तो होगा ना ब्रो, मैं तो गेम कर रहा हूं ना, वही बोल रहा हूं, मुझे हैक्स के बारे में आईडिया नहीं है, बिकॉज़ मुझे इतना पता है कि तुम सामने बंदे देख रहे हो, एडजस्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ हिसाब से जो भी एलिगेशंस लगे थे वो उन्होंने इजीली खुद ही रिवोक करवाए। अब ये सब देख के स्काउट भाई फिर से जाग गए, क्योंकि जुलाई में ही काउंटर वर्सेस